Hi guys, welcome to MBA CET paper analysis video. So I'm at the center only just now. I'm done with my paper. Overall paper, if you ask me, it was moderate level paper. It was not much difficult. It was not much easier as well. तो paper का level जो था वो moderate level का paper है. जनता फोड़ेगी paper तक ऊपर जाने वाला है. ठीक है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? Let's start with the section wise analysis. डिटेल एनालिसिस का वीडियो मैं आज शाम तक दे दूँगा. चैनल पे मैन्योर MBA चैनल पे आ जाओ. वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन विद द क्वेश्चन आई विल बी पोस्टिंग. इंग्लिश आइडली इंग्लिश एंड लॉजिक ऑल टाइम गेम चेंजर होता है. आइडली नहीं नॉट इंग्लिश इंग्लिश एंड मैथ्स ये गेम चेंजर होता है. लॉजिक में लोग फोड़ते हैं. इस बार ये हुआ है कि लॉजिक मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे लोगों ने फोड़ा हुआ है. इसलिए मतलब यहाँ पे जो पेपर आया हुआ है इट इज मोर ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चन आर इजीयर सम ऑफ द क्वेश्चन आर मॉडरेट साइड. मतलब एक का दुक्का क्वेश्चन आप बोल सकते हो टफ साइड है. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो अच्छा करो. ठीक है. सो इंग्लिश के अंदर जो आपका ओवरऑल ब्रेकअप है दैट इज अराउंड एंटोनियम सिनोनियम्स भरा पड़ा हुआ है. मतलब 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एंटोनियम्स से सिनोनियम्स मतलब मिला जुला के 10 क्वेश्चन. स्पेल चेक के 3-4 क्वेश्चन. मैं हमेशा बोलता हूँ ऑन्टरप्रीनोरशिप आया था स्पेल चेक. ठीक है. और भी बहुत सारे वर्ड आए तो आई विल गिव द एनालिसिस के लिए एनालॉजी को लेकर 4-5 क्वेश्चन 3 RC के 2 में 4-4 क्वेश्चन और 1 में 6 क्वेश्चन. तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन फ्रॉम द RC. पैराग्राफ जम्बल एक ही सेट पर 3 क्वेश्चन था. ठीक है. तो मतलब सेंटेंस 6 कौन सा होगा सेंटेंस 6 कौन सा होगा ऐसे करके. ओके. सेंटेंस करेक्शन के 4-5 क्वेश्चन आए थे. ऑन एंड आउट के 4-5 क्वेश्चन. सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट हो गया. ठीक है. 3-4 क्वेश्चन उसके हो गए. तो ये है इंग्लिश के एनालिसिस. इंग्लिश डूएबल था. आराम से आप करते हैं. अगर मैनूवर का जो बुकलेट था वो ख़त्म किया होता वीडियो किया हुआ है आपने तो आप इंग्लिश बोलोगे. ठीक है. आप मुझे बताओ कमेंट में लिख के हाउ वाज योर पेपर. लॉजिक के अंदर लॉजिक से पहले चलो मैथ्स बात कर लेते हैं. मैथ्स के अंदर यार सिंगल वर्ड प्रॉब्लम वाले जो आए थे क्वेश्चन मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था. प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था. LCM के 4-5 क्वेश्चन. इन सब टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन. ठीक है. परसेंटेज से ऑलमोस्ट लाइक 5 क्वेश्चन. एवरेज मतलब दिस ईयर CET का फेवरेट टॉपिक है एवरेज. जहाँ से मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 8 क्वेश्चन मिले हुए हैं. सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन. टाइम स्पेस डिस्टेंस 3 से 4 क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन. लाइक वाइज डेटा सफिशिएंसी कर लेना भाई. लॉजिक में भी आया मैथ्स में भी आया हुआ है और मैंने अभी लास्ट सेशन में भी करवाया है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. मैथ्स और इंग्लिश हो गया. अब आते हैं लॉजिक. यार एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो था विजुअल रीजनिंग वो मुझे लग रहा है कि इस साल का थोड़ा सा एक स्टेप टफ था. दिस वॉज द टफेस्ट सेक्शन मुझे लगता है. चारों सेक्शन में मिलाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टफ मुझे लगा. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में लोगों का थोड़ा सा स्कोर ऊपर नीचे होने का चांस है. लॉजिक के अंदर आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है. आपका कोडिंग डिकोडिंग है. आपका नंबर सीरीज लेटर सीरीज हो गया. आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया. ठीक है. अरेंजमेंट के लिए सर्कुलर वाले क्वेश्चन है. एक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट है. एक सेट थियरी वाला क्वेश्चन है. ठीक है. तो हाँ पजल अरेंजमेंट आया है कहीं अराउंड 20 के आसपास आप पकड़ लें. 15-20 क्वेश्चन के ऊपर है. कोर्स ऑफ एक्शन 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन. असर्शन एंड रीजन दे नेवर आस्क दिस क्वेश्चन दिस ईयर दे हैव आस्क. ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है. कर लेना असर्शन एंड रीजन जितने लोग का कल स्लॉट है ना असर्शन एंड रीजन. ठीक है. और बाकी आपका ट्रेडिशनल लॉजिक से पेपर भरा पड़ा. दिस इज वॉट डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर. आई एम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ विल बी अराउंड 150 टू 160 प्लस फॉर JBAMS. सेटम के लिए इट विल रैम्बलिंग अराउंड 140 से 150 के आसपास. आई विल नॉट सरप्राइज समवन हिटिंग अराउंड 170 प्लस 175 प्लस बिकॉज पेपर डूएबल था और हम शायद से 175 मार सकते हैं. ठीक है. सो आप मुझे बताओ व्हाट इज द स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग द कमेंट सेक्शन एंड सी यू टुडे इवनिंग विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्शन वाइज एनालिसिस. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.